फिर से रिपीट कर देता हूँ, अपने घर पर ठाकुर जी को घेवर फैनी इनका भोग लगाइए और इसके साथ बढ़िया पकवान बनाइए और ग्रीन कलर का कोई भी डिश बना सकते हैं, कोई मिठाई में बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सेल्फ कुछ बनाना, सेल्फ कुक करना है तो आप बिल्कुल करिए और ठाकुर जी को श्रृंगार की पेटी ज़रूर प्रसादी कराइएगा और वो आप लोगों के यूज़ के लिए आएगी। एक श्रृंगार की पेटी बना लीजिएगा अपने घर में, अपने लड्डू गोपाल जी अपनी युगल सरकार को प्रसादी कराइएगा, यानी कि उसका है कि वो प्रियतम के लिए, हमारे प्रिया जी के लिए, और प्रियतम द्वारा उनका श्रृंगार किया जाता है, यानी कि जो बिहारी जी के भी दर्शन है उस दिन वो बड़े सुंदर हैं। और उसके साथ साथ जो पीछे ठाकुर जी की गुलाबी चटा में सेज सैया तैयार होती है, उसका सबसे बड़ा ये है कि जब झूला झूलने के बाद ठाकुर जी जो है बिहारी, मतलब हमारे राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम से थक जाते हैं तो स्वामी हरदास जी उनको पीछे विश्राम कराते हैं, और जब राधा रानी का वहाँ पर बेनी गूथन लीला श्रृंगार के दर्शन भी वहीं पर है, यानी कि स्वयं कृष्ण हमारे स्वयं लाला लल्ला जी राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। और ये भाव है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर एक मिरर होता है, एक शीशा होता है, दर्पण होता है और वहाँ पर श्रृंगार की चीज़ें रखी होती हैं। वहाँ ठाकुर जी के लिए लड्डू भी रखे होते हैं क्योंकि वे जब विश्राम करेंगे फिर उसके बाद जब भूख लगेगी ठाकुर जी को तो पाने के लिए जल भी होता है, पान के बीड़ा भी होते हैं, तो पान के जो, और उसके बाद बेनी गूथन लीला है क्योंकि चुटीला बनाते हैं तो गंगा वगैरह सारी चीज़ें जो श्रृंगार की होती है वो रखी होती है। तो इसीलिए आप लोगों को भी अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार तो आप करेंगे लेकिन ये श्रृंगार की प्रसादी चीज़ें आप उनके पास रखेंगे और उसको आप लोग यूज़ में ले सकते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और ये श्रृंगार की पेटी गिफ्ट करना, सुहागन को देना बहुत ही एक बड़ा एक पुण्य का काम है जो आप लोग ये फ़ायदा मतलब एक उठा सकते हैं, एक पुण्य का काम अर्जित कर सकते हैं अपने लिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ठाकुर जी के जो दर्शन है वो आप लोगों को उनको झूले में झुलाना है, उसमें थोड़ी देर कराना है, बाद में चाहे उनको विश्राम करा सकते हैं, बड़ा आनंद आएगा, अच्छे से फेस्टिवल मनाएंगे। परसों हैं यहाँ पर और उसकी समय सारणी भी चेंज हुए तो वो भी हमने बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो दर्शनों का टाइमिंग है वो सुबह 7:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक है। तो ऐसा नहीं है कि 12 बजे आरती हो जाएगी जल्दी तो आप लोग उस जल्दी जल्दी में जो लोग आ रहे हैं वो धक्का मुक्की करें, ऐसा नहीं है, पेशेंस रखिएगा। 2 बजे आरती होगी और शाम को 5 बजे दर्शन को लेंगे और रात्रि 11 बजे आरती होगी, शयन आरती जो अभी हमने करी। तो यहाँ पर लाइव सेशन को देंगे विराम और हरियाली दीश सेवा की हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिनका व्हाट्सएप नंबर है 9058169689 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 8937908000। तो यहाँ पर विश्राम देंगे, विराम देंगे और बिहारी जी से यही प्रार्थना है कि सबकी हरियाली दीज बिल्कुल हरियाली हरियाली हो जाए। राधे राधे, श्री कुंजारी शेरदास राधे।